आया है कि नहीं, यस या नो में बताओ या हैंड रेस करके बताओ समझ आया है कि नहीं आया है। रौनक आज से ही अटेंड कर रहा है क्या तू? चलो अब हम लोग आते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस पर। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना, ठीक है? देखते हैं, चलो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस पे आओ और बहुत अच्छे से इसको समझ लो ये क्या है। देखो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग गवर्नमेंट की ही ब्रांचेस थी, तो उसपे फुल कंट्रोल गवर्नमेंट का हुआ करता था। अब दूसरा जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, सर थोड़ी देर में लगाता हूँ ना, हेलो। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या है अगर मैं आपको बताऊं और समझाऊं तो आपको ये याद रखना है, ये वो बॉडीज हैं, ठीक है, या आप बोल सकते हो बिजनेसेस हैं जिन्हें हमारे देश के पार्लियामेंट में बनाया गया है। भाई पार्लियामेंट में कौन रहते हैं? पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं। होता क्या है कि गवर्नमेंट जब हमारे देश में बनती है तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के थ्रू देश को चलाने का काम करती है अलग अलग मिनिस्ट्रीज के थ्रू, पर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को भी समय समय पर हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो हमारे देश का पार्लियामेंट जो है वो भी अलग अलग तरह के बिजनेसेस क्रिएट कर सकता है और उन बिजनेसेस को हम स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन या पब्लिक कॉरपोरेशन कहते हैं। ये ऐसे बिजनेसेस होते हैं, याद रखिए, जिसको पार्लियामेंट के थ्रू बनाया गया। जैसे आपको मैं कुछ एग्जांपल दूंगा आप समझना। शेयर मार्केट, आप सबने इसके बारे में सुना हुआ है। तो हमारे देश में शेयर मार्केट को रन कैसे किया जाए, तो पार्लियामेंट में क्या किया गया, इसके लिए एक बॉडी बना दी गई जिसका नाम सेबी है। हमारे देश के शेयर बाजारों को सेबी चलाता है। वैसे जैसे किसान ने अगर खेती करी, क्रॉप रेज करे, तो उनका फूड कहाँ स्टोर होगा, फूड स्टोरेज कहाँ होगा, तो उसके लिए हमारे पार्लियामेंट से बना दिया गया फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI, ठीक है। वैसे रेलवे में टिकट विकेट के काम में पहले बहुत दिक्कत होती थी, तो पार्लियामेंट के थ्रू क्या बना दी गई, IRCTC बना दी गई, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, वो बिजनेसेस जो पार्लियामेंट के थ्रू क्रिएट होते हैं उन्हें स्टैट्यूटरी या पब्लिक कॉर्पोरेशंस बोलते हैं। अब आप बताओ, आपको जो मैंने बोला वो बात समझ आएगी गई सिर के ऊपर से? वो फॉर्म ऑफ बिजनेस जो पार्लियामेंट के थ्रू क्रिएट होते हैं उन्हें हम पब्लिक कॉर्पोरेशन या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बोलते हैं। अब आप बताओ आपको ये बात समझ आई कि नहीं मैंने जो बोला, हाँ या ना, फटाफट बोलो। अपना लाइंस पढ़ना और अच्छे समझना आप लोग, ठीक है? एक एक लाइन पढ़ के देखो। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आर पब्लिक एंटरप्राइजेस, पब्लिक एंटरप्राइजेस मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल होगा, ठीक है, ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ऐसी कॉर्पोरेशन या ऐसी एंटरप्राइजेस, एंटरप्राइजेस का मतलब बिजनेस होता है, ऐसे बिजनेसेस जो पार्लियामेंट के थ्रू लाए गए हैं उसे पब्लिक कॉर्पोरेशन या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बोलते हैं। तो होता क्या है कि पार्लियामेंट के थ्रू जब लाया गया है, जिनकी सारी पावर फंक्शन हर चीज जो है पार्लियामेंट डिसाइड करता है ये किस प्रकार से काम करे, ठीक है। कॉर्पोरेशन कहाँ पर सूटेबल है, तो जहां पर बहुत ज्यादा पैसा लगता हो, जहां पर गवर्नमेंट बिजनेस करना चाह रही हो और पब्लिक इंटरेस्ट को मतलब वेलफेयर को जहां पे ध्यान रखना है वहां पर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बहुत सूटेबल है। फिर सुनो, यहाँ पर बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, दूसरा बिजनेस करना हो और तीसरा जनता के वेलफेयर के लिए करना हो तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बेस्ट होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सब एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के। हैंड रेस करके और यस या नो करके बताओ अभी तक जो मैंने पढ़ाया समझ आया कि नहीं। हाँ या ना, अभी तक मैंने जो पढ़ाया वो समझ आया कि नहीं। हाँ या ना, आया? अब इसके देखो फीचर्स बताता हूं मैं आपको, ध्यान से समझना। जब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या पब्लिक कॉर्पोरेशन बनी है
इसका सबसे पहला फीचर ये है कि ये पार्लियामेंट के थ्रू बना है, इसका फॉर्मेशन पार्लियामेंट से हुआ है। दूसरी बात, इस पर ओनरशिप किसकी है, तो इस पर ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, भारत सरकार की है। भाई पार्लियामेंट पे भी तो हमारे ही देश के लोग बैठते हैं ना, हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव, तो पार्लियामेंट के थ्रू अगर स्टेटूटरी कॉर्पोरेशन बन रहा है तो उसमें ओनरशिप गवर्नमेंट की होगी, ध्यान रखिए। इसका लीगल स्टेटस क्या है, तो इसका लीगल स्टेटस है ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब जस्ट लाइक एक कंपनी जब रजिस्टर्ड होती है तो अपने नाम से सारी वर्किंग कर सकती है, प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है, वैसे ही स्टेटूटरी कॉर्पोरेशंस भी अपने नेम से सारे वर्क कर सकती है, इसलिए इसे बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं। देन इसके पैसे का हिसाब किताब क्या है, तो इसको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी गई है, मतलब इंडिपेंडेंस दी गई है। सीखो क्या होता है, आपको मैं बता रहा हूं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जब कमाती है, जब पैसे कमाती है तो सारा पैसा सरकारी खजाने में जमा हो जाता है, गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा हो जाता है, और इनको एक्सपेंडिचर करने के लिए, खर्चा करने के लिए पैसा कहां से मिलता है, आप बताओ कहां से मिलता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का सारा पैसा सरकारी खजाने में जमा होता है, और इनको खर्च करने के लिए पैसा कहां से दिया जाता है, साल में एक बार क्या निकाला जाता है, मुझे कौन आंसर दे पाएगा इस बात पर। इनको पैसा दिया जाता है बजट के थ्रू, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को पैसा बजट से मिलता है, लेकिन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या पब्लिक कॉर्पोरेशन का ऐसा नहीं है। ये जितना पैसा अर्न करते हैं, जितना प्रॉफिट अर्न करते हैं, इनका खुद का है, सेल्फ का, और वैसे जितना लॉस भी होगा इनका सेल्फ का है, ठीक है, जितने खर्चे होंगे सेल्फ के हैं। कहने का मतलब आप सीख लो इस बात को, और इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे समझा रहा हूँ। रेलवे सरकार की अंडरटेकिंग है, सरकार का डिपार्टमेंट है, तो जब रेलवे प्रॉफिट कमाता है तो ये गवर्नमेंट के खजाने में जमा होता है, गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जमा होता है, और रेलवे के जो खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर है, वो बजट के थ्रू चलते हैं, सरकारी बजट आता है उसमें से पैसा दिया जाता है, क्योंकि रेलवे एक क्या है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। लेकिन पब्लिक कॉर्पोरेशंस के साथ ऐसा नहीं है। जैसे मैं बात करूं LIC की, LIC जितना प्रॉफिट कमाती है वो प्रॉफिट LIC का खुद का है, सरकार को कुछ नहीं देना है, वैसे जितने खर्चे हैं LIC अपने खर्चे खुद निपटाएगी, सरकार से उसको कोई मतलब नहीं है। आप हैंड रेस करके बताओ मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, मैंने क्या बोला। सरकारी डिपार्टमेंट्स जो होते हैं ना भैया, वहां का सारा पैसा सरकारी खजाने में जमा होता है, और उनको खर्चा करने के लिए बजट से पैसा मिलता है। लेकिन जब आप पढ़ रहे हो ना पब्लिक कॉर्पोरेशन के बारे में, तो ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, इनको गवर्नमेंट को कुछ देने की जरूरत नहीं है, ये अपना खर्चा खुद उठाते हैं, ठीक है, ये मिटा रहा हूं, आपको समझ आ गया होगा। देन यहाँ के हिसाब किताब की बात करें, यहाँ की अकाउंटिंग कैसे होती है, ऑडिटिंग कैसे होती है, तो आपको ये बात समझनी और ध्यान रखनी है कि यहाँ का जो अकाउंटिंग है वो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से नहीं है, ये अपने हिसाब से अकाउंटिंग करवा सकते हैं, ठीक है, मतलब अपना अकाउंट्स खुद मेंटेन कर सकते हैं, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। बस ये याद रखना कि जब ऑडिट कराने जाएंगे, जब अकाउंट्स को चेक कराने जाएंगे, तो यहाँ भी ऑडिट करने का काम CA&AG करेगा। CA&AG मतलब क्या, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये सरकारी अथॉरिटी है जो हर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट करती है। ऑडिट मतलब होता है हिसाब किताब चेक करना, तो याद रखना पब्लिक कॉर्पोरेशन का भी हिसाब किताब कौन चेक करेगा, ऑडिट कौन करेगा, कैग करेगी, CA&AG। बहुत टफ तो नहीं लग रहा होगा, मुझे लगता है समझ आ रहा है। बना कहां, पार्लियामेंट में, ओनरशिप किसकी, गवर्नमेंट की। लीगल स्टेटस क्या है, कंपनी की तरह काम करता है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, सारा पैसा भी खुद रखते हैं, सारा खर्चा भी खुद करते हैं, अकाउंटिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन ऑडिट जो है वो सरकार कराती है कैग के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे स्टाफ कैसे आते हैं, एम्प्लॉय कैसे आते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर जो एम्प्लॉय आते हैं इनके खुद के एग्जाम्स होते हैं, उसके थ्रू आते हैं, जैसे बैंकों के अलग एग्जाम्स होते हैं, LIC का अलग एग्जाम्स होता है। जब आप इस पब्लिक कॉर्पोरेशन का एग्जाम दोगे तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पे ये सारे हो गए फीचर्स किसके, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के। एडवांटेज आप खुद एक बार पढ़ के देखोगे, नहीं समझ आएगा तो मैं बताऊंगा, डिसएडवांटेज आप खुद से पढ़ के देखोगे, नहीं समझ आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है।
अब इसके बाद बेटा तीसरा जो आता है वो गवर्नमेंट कंपनी का कंसेप्ट आता है। गवर्नमेंट कंपनी का साधारण सा मतलब है, मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनना, कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें 51% और मोर, कितना 51% या उससे ज्यादा शेयर जो है वो गवर्नमेंट ने रखा हुआ है अपने पास, तो ऐसी कंपनियों को गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं, याद रखना। फॉर एग्जाम्पल जैसे तनीषा ने आज एक कंपनी बनाई है, तनीषा ने आज एक कंपनी बनाई है, तो तनीषा इसकी ओनर क्यों है? क्योंकि इसने, तनीषा ने इस कंपनी में शेयर्स खरीदे हैं, तो अभी 100% शेयर तनीषा के पास है, तो इसकी फुल ओनर कौन है? तनीषा है। कल को मान लो हमारे देश की गवर्नमेंट जो है इसी कंपनी में 51% से ज्यादा शेयर खरीद लेती है, तो अब ये कंपनी तनीषा की नहीं रह जाएगी, ये कंपनी क्या बन जाएगी? गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। तो किसी भी कंपनी में ओनरशिप लेने का तरीका होता है शेयर खरीदना, ये ध्यान रखो। और जिन जिन कंपनियों में 51% से ज्यादा शेयर गवर्नमेंट का है वो कंपनियां गवर्नमेंट कंपनी कहलाती हैं। आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं? हाँ यार, आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं? सपोज करो किसी कंपनी में गवर्नमेंट ने 50% शेयर खरीदा है, वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। जब तक 51% से ज्यादा शेयर नहीं खरीदा जाएगा कोई कंपनी, हाँ किसी भी कंपनी में पैसा लगा सकती है, गवर्नमेंट को जहां सूटेबल लगेगा ना किसी भी कंपनी में पैसा लगा सकती है। पैसा लगाने के लिए शेयर खरीदना पड़ता है। किसी भी कंपनी में अगर गवर्नमेंट ने 51% शेयर खरीद लिए हैं तो आपको यह ध्यान रखना होगा बेटा कि वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बन गई है। हैंड रेस करो, मेरी बात समझ आएगी नहीं? हाँ यार, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है समझ आया कि नहीं? यार कोई भी कंपनी उठा लो जिसमें 51% से ज्यादा शेयर गवर्नमेंट का है उसे गवर्नमेंट कंपनी बोला जाता है, बात खत्म। ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है? अब इसके कुछ एग्जांपल्स आप पढ़ेंगे और सूटेबिलिटी पढ़ेंगे। तो गवर्नमेंट कंपनी तब सूटेबल होती है जब बिजनेस करना होता है गवर्नमेंट को, दूसरा प्राइवेट सेक्टर से कंपीट करना होता है, और तीसरी बात यह होता है कि प्राइवेट सेक्टर या फॉरेन सेक्टर के साथ मिलकर काम करना होता है, दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करना होता है, तो गवर्नमेंट कंपनी बनाई जाती है। हमारे देश में गवर्नमेंट कंपनी का एग्जाम्पल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर लिमिटेड, फिर BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड, ये सब गवर्नमेंट कंपनी के एग्जाम्पल है। फिर पूरी बात सुन लो, कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का 51% से ज्यादा शेयर है उसे हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। गवर्नमेंट कंपनी तब बनाई जाती है जब गवर्नमेंट को बिजनेस लाइन में उतरना होता है, प्राइवेट सेक्टर से कंपटीशन करना होता है, और तीसरी बात यह है कि कई बार प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर, फॉरेन की कंपनियों से मिलकर काम करने के लिए भी गवर्नमेंट कंपनी बनाई जाती है। ये इसका सिंपल सा फंडा है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अब इसके अगर फीचर्स की मैं बात करूं तो जस्ट लाइक अदर कंपनीज गवर्नमेंट कंपनी का भी रजिस्ट्रेशन होता है, और ये रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट 2013 में होता है। जस्ट लाइक अ कंपनी, जैसे कंपनी की सेपरेट पर्सनालिटी है, मतलब बनाने वाले लोगों से अलग होती है, सिमिलरली गवर्नमेंट कंपनी भी गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट है। रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट कंपनी का गवर्नमेंट ने कराया है पर ये गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट है, ये कंपनी अपने नाम से किसी प्रॉपर्टी को खरीद सकती है या बेच सकती है। मैंने आपको कंपनी के टाइम भी बताया था कि कंपनी के ओनर शेयर होल्डर होते हैं और कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाते हैं, डायरेक्टर चलाते हैं। सिमिलरली अगर गवर्नमेंट कंपनी भी है तो इसको चलाने का काम जो होता है डायरेक्टर्स करते हैं, और इन डायरेक्टर्स को गवर्नमेंट लेकर आती है। आप तीन पॉइंट बताओ, आपको समझ आए कि नहीं? इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन होता है, अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो इसका भी रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट 2013 में होगा। इसकी सेपरेट पर्सनालिटी या लीगल एंटिटी होने का मतलब ये होता है कि भले गवर्नमेंट ने इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन क्यों ना करवाया हो पर ये कंपनी अपने नाम से ही सारी वर्किंग करेगी, ना कि गवर्नमेंट के नेम से। इसको मैनेज करने का काम जो होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं जिनको गवर्नमेंट ढूंढ कर जाती है। अब आप बता दो मेरे को फटाफट, आपको मैंने इतना जो बताया वो समझ आया है कि नहीं आया? हाँ या ना बोलो कि मैं रिपीट करूं, आपको मैंने जो बोला वो समझ आया कि मैं रिपीट करूं, ये बोलो आप। आया? नेक्स्ट थिंग, यहां का
ये गवर्न बाय मेमोरेंडम आर्टिकल मत करना, ठीक है। यहाँ का अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर की बात करते हैं। देखो जब भी वर्ड यूज होना, अकाउंटिंग का मतलब होता है सारे हिसाब किताब की रिकॉर्डिंग करना, ध्यान से सुन लो। आपने तो ये पढ़ा भी होगा ना क्लास 11th, अकाउंट भी पढ़ना शुरू कर दिया होगा। अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, आगे बताओ और क्या क्या होता है इसमें, और बताओ। रिकॉर्डिंग होता है, क्लासिफाइंग होता है, इंटरप्रिटेशन होता है, बहुत टेक्निकल बात बोल रहा हूँ क्या मैं, ऑफ ट्रांजेक्शन, जो भी बिजनेस में काम करते हो जब उसको रिकॉर्ड करते हो तो अकाउंटिंग होता है। ऑडिटिंग का मतलब होता है चेकिंग द अकाउंट, जब आपके अकाउंट्स को चेक किया जाएगा तो उसको ऑडिट बोला जाता है, आपके हिसाब किताब को चेक करने को ऑडिट बोला जाता है। तो बेसिकली ये माना जाता है कि ये लोग अपने हिसाब से जैसी अकाउंटिंग चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन जब ऑडिट की बात आएगी तो इनका ऑडिट वैसे ही होगा जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का होता है। मतलब कौन सी अथॉरिटी इनका भी ऑडिट करेगी? तो CAG, ये सरकारी अथॉरिटी है, इनका ऑडिट करेगी, इनके हिसाब किताब को चेक कर देगी, और इनकी जो सालाना रिपोर्ट या एनुअल रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट में रखी जाती है, ठीक है। तो आप इस बात को दिमाग में बिठा दो, ये क्वेश्चन तो पक्का आना है कि अकाउंट्स को चेक कौन करता है हर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन के, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर इसमें होगा कि सर जब सरकारी ऑर्गेनाइजेशन की बात आएगी ना तो आके हिसाब किताब को चेक करने का काम या ऑडिट करने का काम CAG करती है। CAG मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये वो अथॉरिटी है जो बेसिकली हर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट करती है, चाहे वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हो, चाहे वो पब्लिक कॉर्पोरेशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी और इसमें दिक्कत नहीं गई होगी। देन इसमें पैसे का क्या हिसाब किताब है? तो 51% से ज्यादा शेयर जो है गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूट किया है, आपको ये बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। आप इसके फीचर एक बार पढ़ के देख लो, कोई डाउट हो तो मेरे को बताना। एक बार ये फीचर्स पढ़ डालो आप, यस सर बोलोगे तो आगे बढ़ोगे। आप यस सर बोलोगे तो आगे बढ़ूंगा, एक बार फीचर्स फटाफट पढ़ डालो। और आपको समझ आ रहे कि नहीं आप बताना। बेटा क्या होता है समझ देवव्रत, जैसे जब तू कोई कंपनी बनाता है ना तो कंपनी बिना रजिस्ट्रेशन के वर्क नहीं कर सकती, सरकारी रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो अगर आज तू एक कंपनी बना रहा है तो तेरे को रजिस्ट्रेशन एक लॉ में करवाना ही होता है जिसका नाम है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में। तो अगर गवर्नमेंट कंपनी है उसका भी रजिस्ट्रेशन इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में। अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद क्या एक सर्टिफिकेट मिल जाता है जिसमें कंपनी का नाम मेंशन होता है। उसके बाद क्या होता है, एक सेपरेशन आ जाता है, आप अलग हो, आपका नाम देवव्रत है, ठीक है, लेकिन आपकी कंपनी का नाम अलग है। जो भी बिजनेस चलेगा वो आपके नाम से नहीं चलेगा, वो कंपनी के नाम से चलेगा। तो आप एक सेपरेट पर्सन है और कंपनी एक सेपरेट पर्सन है। सिमिलरली गवर्नमेंट ने भी अगर गवर्नमेंट कंपनी बनवाई है तो गवर्नमेंट को अलग माना जाएगा और गवर्नमेंट कंपनी का जो नाम है वो कंपनी अपने नाम से काम करेगी। जैसे BSNL एक सरकारी कंपनी है लेकिन सरकार का नाम कहीं सामने नहीं आता, जो भी नाम सामने आता है हमेशा BSNL का नाम सामने आता है या सेल का नाम सामने आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट नंबर 1 और 2 हो गया, ठीक है, ओके। अब जैसे आपने ये कर दिया इतना, ये आपको करना है, एडवांटेज डिसएडवांटेज का काम आपका है, आप सेल्फ पढ़ेंगे, सेल्फ पढ़ें, ठीक है। हम नीचे आते हैं तीनों का डिफरेंस बिटवीन पे, तीनों का डिफरेंस बिटवीन बहुत सारे हैं, हमको जो जरूरी है हम वो करेंगे। हम फॉर्मेशन पढ़ेंगे, हम लीगल स्टेटस पढ़ेंगे, हम कैपिटल फाइनेंसिंग पढ़ेंगे, ठीक है, देन हम कंट्रोल पढ़ेंगे। पहले इतने पढ़ते हैं फिर आगे की बात करेंगे,
देखो फॉर्मेशन की बात की जाए तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग मिनिस्ट्री का या गवर्नमेंट का पार्ट है, तो इसको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन या पब्लिक कॉरपोरेशन, ऐसे पब्लिक हमेशा दिखेंगे, ये पार्लियामेंट के थ्रू बन रहा है, पार्लियामेंट के थ्रू बन रहा है, और गवर्नमेंट कंपनीज कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन के थ्रू बन रही है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग गवर्नमेंट का ही हिस्सा है तो उसकी अलग से कोई एंटिटी या पर्सनैलिटी नहीं है, लेकिन पब्लिक कॉरपोरेशन पार्लियामेंट के थ्रू बनी हुई है तो इसकी सेपरेट पर्सनैलिटी है, वो ये पब्लिक कॉरपोरेशन बिजनेस अपने नाम से वर्क करेगा। सिमिलरली गवर्नमेंट कंपनी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है तो वो कंपनी अपने नाम से वर्क करेगी। कैपिटल फाइनेंसिंग का मतलब होता है खर्चा कहां से करते हैं लोग, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को पैसा बजट के थ्रू मिलता है, ठीक है। पब्लिक कॉरपोरेशन को पैसा गवर्नमेंट के थ्रू मिलता है और उधारी भी दे सकते हैं, और जो गवर्नमेंट कंपनी होती है ये अपना हिसाब किताब या अपना खर्चा खुद चलाती है। कौन कंट्रोल करता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को, तो मिनिस्टर्स कंट्रोल करते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को। पब्लिक कॉरपोरेशन को सरकारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल करते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट कंपनी को भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल करते हैं, ठीक। पहले चार पॉइंट समझ आए कि नहीं बताओ मेरे को, ये चार पॉइंट समझ आए कि नहीं ये बताओ, आप एकदम शांति से देख लो आपको ये पॉइंट समझ आए कि नहीं आए। देन उसके बाद ओनरशिप, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पे फुल ओनरशिप गवर्नमेंट की है, पब्लिक कॉरपोरेशन पे फुल ओनरशिप गवर्नमेंट की है, और गवर्नमेंट कंपनी में एटलीस्ट 51% शेयर खरीदना पड़ेगा। 51% शेयर खरीदने को, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई इसको 51 कर देना, 51% शेयर खरीदने पर गवर्नमेंट कंपनी की ओनरशिप मिलेगी वरना नहीं मिलेगी, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, इसमें डाउट नहीं आना चाहिए आपको। इतने पॉइंट्स आप पढ़ेंगे इतने सारे में, फॉर्मेशन, लीगल स्टेटस, कैपिटल फाइनेंसिंग, मैनेजमेंट कौन करता है, ओनरशिप किसकी है, इतने पॉइंट आप पढ़ेंगे, ठीक है। आप इतने पॉइंट पढ़ेंगे ना तो समझना मेरी बात को, यहां पे चैप्टर एंड होगा। पिछले साल सीबीएसई ने नीचे के पोर्शंस डिलीट कर दिए थे, तो हम एक बार सीबीएसई के नोटिफिकेशन का वेट करेंगे, अगर वो ये इतने सिलेबस को वापस लाते हैं तो हम पढ़ेंगे, अदरवाइज हमको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, हमने ऊपर जितना पढ़ा उसमें हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। पब्लिक सेक्टर का क्या रोल रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट ने देश की तरक्की कैसे करवाई है, पिछले साल सीबीएसई ने हटा दिया था, मैं आपको सही बता रहा हूँ। तो जब हटा दिया था तो हम क्यों अभी फोकस करेंगे, अगर आया कोर्स में वापस तो करेंगे, और नहीं आया तो नहीं करेंगे। इतना हमको पढ़ना है तीन अंडरटेकिंग के बारे में, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, ये हम पढ़ेंगे। अब आगे स्कीम सुन लो थोड़ा सा, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुन लो बेटा आप लोग। बीएसटी में आपके मैंने तीन चैप्टर करा डाले हैं, चैप्टर वन हो गया है आपका, चैप्टर टू हो गया है, चैप्टर थ्री हो गया, हाँ या ना। सबसे पहले हमने क्या पढ़ लिया है, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस पढ़ लिया है, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज पढ़े ना। दूसरा चैप्टर हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़े, कौन कौन सा फॉर्म पढ़ा, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, सब पढ़ लिया। तीसरा चैप्टर हमने क्या पढ़ा, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, तीन अभी बता डाला मैं आपको, कौन कौन सा, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉरपोरेशंस, और क्या बताया हूं आपको मैं, गवर्नमेंट कंपनी, तीन चैप्टर बीएसटी के कर चुके हो, ठीक है। कल से फोर्थ चैप्टर चालू कर देंगे हम लोग इसका, फोर्थ चैप्टर बिजनेस सर्विसेज है, ये हम लोग कल से स्टार्ट कर देंगे, फ्रॉम टुमारो। इकोनॉमिक्स में तुम्हारी दो बुक है, माइक्रो और स्टैट्स। माइक्रो में दो चैप्टर हो गया, चैप्टर वन बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गया है और चैप्टर टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया है। इसका एक आपको रिवीजन चाहिए, मैं आपको रिवीजन दूंगा इसका, बाकी आप जब पढ़ रहे थे तो आपको समझ आया है। फ्रॉम 1 जुलाई, 1 जुलाई से हम लोग ये चालू करेंगे स्टैटिस्टिक्स,
एक जुलाई से हम लोग स्टैटिस्टिक चालू करेंगे। अभी 30 जून तक, अप टू 30 जून 5 चैप्टर बीएसटी के खत्म हो गए होंगे, आपके बिजनेस स्टडीज के 5 चैप्टर आपके खत्म हो गए होंगे 30 जून तक। और आप ये समझ लो जुलाई के महीने में स्टैटिस्टिक करना है। मेरी बात समझ आई कि नहीं, हाँ या ना ये बोलो, मेरी बात समझ आई कि नहीं है? इस पैटर्न में हमारी पढ़ाई चल रही है, ठीक है, और इसी पैटर्न में हम पढ़ेंगे, ठीक। तो ये 5 चैप्टर हो जाएंगे, तो इसके खूब सारे टेस्ट देना है अब हमको। पढ़ तो बहुत डालोगे ना, तो अब इसके टेस्ट देना और साथ साथ स्टैटिस्टिक पढ़ते रहना, पूरा जुलाई स्टैटिस्टिक पढ़ना है, ये आप करो, ठीक है। आपका चैप्टर 3 में जो बाकी हिस्सा है वो डिपेंडिंग सीबीएसई अगर डालेगा तो कराएंगे, वरना नहीं। कल से चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज चालू हो जाएगा आपका, ये आप करें। कुछ मत कर, मैं हूं रौनक, मत चिंतित।